Welcome to my class In Microsoft Excel program, there are number of math functions given to us. Here a list of some of the math functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. In this video lecture, we will math functions take up kareinge. These functions are सम फंक्शन सम इफ फंक्शन एंड सम इफ्स फंक्शन एंड दिस इज पार्ट वन आइएगा मूव करते हैं इन तीनों फंक्शन के एग्जाम्पल की तरफ इन तीनों एग्जाम्पल्स को टेकअप करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को यहां पर क्रिएट कर दिया हमारे पास यहां पर इंडियन रेलवेज का एक केस दिया गया है स्टूडेंट्स ये सारी फिगर्स आर्बिट्रेरी नेचर की हैं हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर पांच कॉलम्स हैं द फर्स्ट वन इज एम्प्लाई आई डी द सेकेंड वन इज जोन जोन के अंदर मैं पांच डिफरेंट जोन को लेके चल रहा हूँ ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन साउदर्न जोन नॉर्दर्न जोन एंड सेंट्रल जोन द थर्ड कॉलम इज ऑफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के केस के अंदर भी मैं पांच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टेकअप कर रहा हूँ द फोर्थ कॉलम इज ऑफ स्टेटस जिसके अंदर

हमारे को एक ही आर्ग्युमेंट दिया गया है दैट इज नंबर वन। उसके बाद ये सारे आर्ग्युमेंट्स ऑप्शनल हैं सम फंक्शन के केस के अंदर हमें रिक्वायरमेंट दी गई है सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज सो मैं ये राइट right साइड के ऊपर सम के फंक्शन को टेक अप कर रहा हूँ सम आर्ग्युमेंट की फॉर्म के अंदर मैंने ये सैलरी की कंप्लीट रेंज को दे दिया फ्रॉम f3 टू f22 पेरेंथेसिस क्लोज आई प्रेस एंटर मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई फोर लैख टेन थाउजेंड फोर लैख टेन थाउजेंड इज द सम टोटल ऑफ सैलरी ऑफ इंप्लाइज मैंने ये आपकी रेफरेंस के लिए नीचे फंक्शन दे दिया नाउ आई मूव ऑन टू द सम इफ़ फंक्शन सम इफ फंक्शन का परपस इट एड्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज कंडीशन हमारे को यहां पर एक कंडीशन दी गई है जिन सेल्स के ऊपर वो कंडीशन मीट अप हो जाएगी सम इफ का फंक्शन उन सभी सेल की वैल्यू को ऐड करके हमें दे देगा इसके सिंटेक्स के अंदर हमें तीन आर्गुमेंट्स दिए गए हैं द फर्स्ट इज रेंज सेकेंड इज क्राइटेरिया एंड द थर्ड वन इज रेंज। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमारे को सम ऑफ सैलरी ऑफ फुल्प्लॉइज को टेकअप करना है मैं यहां पर राइट right साइड के ऊपर सम इफ के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं इक्वल्स टू सम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज रेंज रेंज के केस के अंदर मैं यहाँ पर स्टेटस की कंप्लीट रेंज को दे रहा हूं कॉमा क्राइटेरिया इस रेंज के अंदर आप किस को ढूंढना चाहते हैं हमारा कंडीशन हमारा क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर मैं फुल टाइम इंप्लाई को देखना चाहता हूं सो आई क्लिक ओवर फुल टाइम एम्प्लॉय दैट इज गिवन टू सेल नंबर ई फोर कॉमा द थर्ड आर्क्यूमेंट इज रेंज आप यहां पर फुल टाइम एम्प्लॉय को ढूंढ के किस पर्टिकुलर कॉलम से सम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे ये सैलरी की कंप्लीट रेंज दी गई है फ्रॉम एफ थ्री टू एफ ट्वेंटी टू पेरेंथेसिस क्लोज आई प्रेस सेंटर मेरे पास सम ऑफ सैलरी ऑफ फुल टाइम इम्प्लॉइज यहाँ पर टू लैख टेन थाउजेंड रुपीज आ गया जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ आई मूव ऑन टू द समय सम इफ फंक्शन के पर्पस को देखते हैं इट एड्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज स्पेसिफाइड बाई ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन यहाँ पर हमारे को नंबर ऑफ कंडीशन दी गई है जो सेल्स उन नंबर ऑफ कंडीशन को मीटअप करेंगे सम इफ का फंक्शन उन सेल्स के अंदर दी गई वैल्यू को एड कर देगा सम्स के सिंटेक्स के अंदर तीन आर्गूमेंट्स दिए गए हैं द फर्स्ट वन इज सम रेंज सेकेंड वन इज क्राइटीरिया रेंज वन एंड थर्ड वन इज बाद हम ये क्राइटीरिया टू ये हमारे ऑप्शनल आर्गुमेंट्स बन जाएंगे मुझे यहां पर सम इफ्स के फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट दी गई है सम ऑफ सैलरी ऑफ इंप्लाइज हु वर्क इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन ईस्टर्न जोन में राइट साइड पर नीचे की तरफ सम इफ के फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं द फर्स्ट वन इज सम रेंज आप किस पर्टिकुलर रेंज से सम करवाना चाहते हैं दिस इज माई रेंज मैंने सैलरी के कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम F3 थ्री टू एफ ट्वेंटी टू कॉमा द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज के केस के अंदर मुझे यहां पर ईस्टर्न जोन को टेकअप करना है तो मैंने ये जोन की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर दिया

मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देना है सो so मैंने D3 सेल के ऊपर क्लिक कर दिया यहां पर ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी इफ्स फंक्शन की कंप्लीट हो जाती हैं आई क्लोज पेरेंथेसिस आई एंटर मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई एटी थाउजेंड जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ आइएगा इस अमाउंट को वेरीफाई करते हैं ईस्टर्न जोन के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट एम्प्लॉय को ट्वेंटी थाउजेंड सैलरी मिल रही है नेक्स्ट केस के अंदर ईस्टर्न जोन के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर टेन थाउजेंड सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड द नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न जोन फुल टाइम एम्प्लॉय को यहाँ पर थर्टी थाउजेंड सैलरी मिल रही है थर्टी थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड एंड द लास्ट वन इज ईस्टर्न जोन सैलरी इज ट्वेंटी थाउजेंड फोर्थ एम्प्लॉय को सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड मिल रही है अगर मैं इन सभी को टोटल कर देता हूँ दिस कम्स टू एटी थाउजेंड सो यहाँ पर ये यह हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर की मदद लेके तीन फंक्शंस को इकट्ठा परफॉर्म किया है सम फंक्शन सम इफ फंक्शन एंड सम इफ फंक्शन मैं उम्मीद करूंगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपको इन, इन तीनों फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी थैंक यू वेरी मच